सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपको भाव शरीर के दूसरे भाग के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस तरह से भाव शरीर जो है हमारे ऊर्जामय शरीर को और हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ यह हमें और आगे ले जा सकता है। भाव शरीर से हम आगे आत्मिक शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और वहां से फिर आगे ब्रह्म शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए भाव शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हमें परमात्म शरीर तक भी ले जाता है, ब्रह्म शरीर तक भी ले जाता है, और यह हमें भौतिक शरीर तक भी ला देता है, यानी हमारी क्रियाविधि गतिविधि तक भी हमें ला देता है। इसलिए इस पर नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें भिन्न भिन्न जो भावनाएं थी, जिसमें कि शर्म है, लज्जा, चाहे उपेक्षा की भावना है और घृणा की भावना है, मोह, द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो इस तरह की जितनी भावनाएं थी, चाहे भय हो, चाहे आपको दुख हो किसी चीज़, तो गुस्सा हो, कामनाएं हो, तो इन सब की भावना, चाहे हमारा घमंड हो, तो इन सब के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाएगा और ये कैसे प्रभाव डालती हैं, इसका विशद वर्णन पिछले बार मैंने कर दिया था। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि अब यहाँ से जब हम सकारात्मक होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं। अब उसके बाद उच्च स्तर की हमारी चेतना और उच्च स्तर की जब उठने लगती है और हम बेहतर से बेहतर व्यक्तित्व के धनी होते जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, साहस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके लिए साहस चाहिए, और हम जब साहस करेंगे तभी हम कोई जोखिम भरा काम ले पाएंगे जिसमें कि रिस्क फैक्टर होता है। तो इसे कहा जाता है ना कि जब बहुत ज़्यादा रिस्क होगा तो उसमें गेन के भी चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस के भी चांस होते हैं। लेकिन दुनिया में हम लोग को अपने को और बेहतर करने के लिए साहस करना ही पड़ा है। अपना अगर विकास देखेंगे, मनुष्य के विकास देखेंगे, मनुष्य ने बहुत साहस किया है। अपने को चाहे बचाना हो तो, या अपने को और विकसित करना हो, बेहतर बनाना हो, तो नए नए भोजन हो की तलाश में, नए नए शिकार की तलाश में, और बेहतर स्थान की तलाश में, और बेहतर मकान बनाने के, कपड़े बनाने के, हर चीज में बेहतर के लिए हम लोगों ने अपना साहस दिखाया है। भाई नई जगह जाएंगे तो रिस्क रहेगा ही, नया काम करेंगे तो रिस्क रहेगा ही, तो उस तरह का साहस हम लोगों में चाहिए। और जब ऐसा साहस जो करता है वही आगे बढ़ता है। अब देखे होंगे सामान्य जीवन में भी जो लोग साहसी होते हैं वही लोग कुछ कर पाए हैं, उन्हीं लोगों को कुछ बड़े पद मिले हैं, चाहे वे बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो गए हों, चाहे राजनीति में गए हों, चाहे प्रशासन में गए हों, चाहे जुडिशियरी में गए हों, चाहे शिक्षा में गए हों, या किसी में भी गए हों, उन्होंने साहस का परिचय काफी दिया है। तो साहस एक बहुत
बड़ी बात होती है और अध्यात्म के लिए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां आपको छलांग लगाना है, ऐसी जगह में लगाना है जो कि अज्ञात है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और वहां जंप कर जाना है, इस जीवन को छोड़ करके उसमें कूद जाना है। तो जाहिर सी बात है बहुत साहस की जरूरत है, क्योंकि वहां असफलता निराशा बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन जो दिलेर होते हैं वे चिंता नहीं करते, उसे देखा जाएगा, चल के तो देखे तो सही। और ऐसे ही लोग ट्रुथ को फाइंड आउट कर पाते हैं। जो डर जाते हैं वो दूसरे की बातों को, कही सुनी बातों को ही धारण करके अपना आगे चलते हैं, लेकिन जो साहसी होते हैं वे स्वयं अनुभूत करना चाहते हैं कि मैं खुद देखूंगा कि क्या है। वे ही लोग साधना भी करते हैं। साधना वे लोग नहीं करते हैं जो बस सिर्फ कुछ पढ़ लेते हैं या कहीं सुन लिए बस हो गया, नहीं, पढ़ने सुनने से साधना आप नहीं कर पाएंगे, साधना के लिए साहस चाहिए, और जब साहस होगा तो ही आप सत्य को जान पाएंगे, तो ही आप स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं, तो ही स्वतंत्र हो सकते हैं। तो सत्य स्वतंत्रता साहस पर निर्भर है। अब ये जो साहस है इसका तो हमारी समझ से तो बहुत ज्यादा हाई लेवल है, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे वो डेविड हॉकिंस जी हैं, उन्होंने इसका लेवल थोड़ा कम आका है, लेकिन मेरी समझ से ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि साहस ही बाकी सब काम कराने में साहस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब जिस व्यक्ति के पास साहस नहीं है या साहस बटोरना है तो उसको क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वह क्या करे जिससे कि साहस उसमें आ जाए। तो प्राणायाम में प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम जो है यह आपके साहस की वृद्धि करता है। उसी तरह से परशुराम प्राणायाम है, वह भी आपके साहस की वृद्धि करता है, और हनुमान प्राणायाम है, मारुति प्राणायाम जिसको कहते हैं, तो मारुति प्राणायाम भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप इसको भी आजमाएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ मैं करके नहीं दिखाऊंगा कि वीडियो सब बने हुए हैं, आप प्राणायाम के वीडियो में जा करके देखें, वहाँ आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ देखेंगे। तो आप अगर साहसी नहीं है तो आप देखेंगे कि आप में साहस की भावना आ जा रही है। अब इसके बाद जब साहस हो गया और आप कहीं जंप लगाने में सफल हो गए तो आपको क्या क्या मिलेगा आगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि साहस से क्या होता है कि आप कोई नई चीज का पता लगा पाते हैं, तो इसके साथ खोज जुटी हुई है, क्योंकि साहसी व्यक्ति खोजेगा, तो तमाम तरह की खोजें जो हैं वो साहस से ही हुई है। तो नई नई चीजें आप खोज लेंगे। अब इसके बाद इन खोज की जो भावना आ गई, खोज लिया आपने कुछ भी, तो क्या होता है कि एक अलग ढंग की फीलिंग आती है, उसको आप हैप्पीनेस कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं, तो वह जो फीलिंग है, भावना है हैप्पीनेस की, वह आपको महसूस होगी, खुशी का एहसास होता है। हालांकि वह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, टिकाऊ खुशी नहीं होती है, लेकिन एक उत्तेजना भरी खुशी तो होती है, क्योंकि साहस में उत्तेजना शामिल है, तो वह खुशी व्यक्ति को मिलती है, वह हैप्पीनेस मिलता है, और वह एक संतुष्टि देता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो नहीं दे पाता, परंतु फिर भी देता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी खोजा उसका जो है सामाजिक जो प्रभाव होता है, समाज जो है उसको मान्यता देता है। इसके बाद जो है अब आदमी उसी खुशी की तलाश में फिर और उत्तेजना हो, और खुशी हो, तो और साहस करता है, और बेहतर से बेहतर और बढ़िया से बढ़िया, बड़ा से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को वह खोजता जाता है, उससे उसको खुशी मिलती जाती है, तो करेज उसको प्रेरणा देता है खुशी, और खुशी जो है फिर उसको साहस देता है, इस तरह से दोनों दूसरे को बढ़ाते चले जाते हैं।
तो यह जो खुशी है, यह मस्तिष्क में डोपामाइन प्रोटीन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, उससे वो खुशी हासिल होती है और फिर वह जो है शक्ति देता है हमें फिर से जंप लगाने की। ये जो खुशी की जो भावना है, इस खुशी की तलाश में दुनिया निकली हुई है। तो कोई पतन जिसका हो जाता है वो ड्रग में खुशी खोजने लगता है, लेकिन वह वास्तव में वह करेज नहीं है, वो साहस नहीं है, वो दुस्साहस है कि हम जो है ड्रग लेने लगे और अपना शरीर खराब करे तो यहां से हम लोग का पतन हो जाता है। तो वो दुस्साहस नहीं, साहस होना चाहिए, इसमें सकारात्मकता होना चाहिए, हमारा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। तो एनर्जी लेवल जब हाई होगा वो जिस साहस से, उस साहस का ही यह महत्व। जिसमें एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है उस साहस का नहीं, वो तो दुस्साहस हो गया और दुष्प्रवृत्ति हो गया, जिसमें मादक द्रव्यों का सेवन हो जाता है और उससे आदमी अपना पतन करा लेता है। तो वह जो फीलिंग आती है मादक द्रव्यों से वो क्या है, भ्रम होता है। वो कुछ एक्साइटमेंट जरूर होता है लेकिन वह भ्रम भी लाता है, बुद्धि को हमारा कुंठित करता है, कमजोर करता है, बुद्धि मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है कि जब हम ये करते हैं तो हमें सत्य का भी पता चलता है, स्वीकार्यता का भी पता चलता है, तो हमारे में स्वीकार्यता आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाता है और हमारे में वो निरपेक्षता भी आती है, हम न्यूट्रलिटी हमारे में आती है, हम समझते हैं। ये भावना आती है तटस्थता की भावना। तटस्थता की भावना कब आएगी, जब हम समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, उपलब्ध हैं और ये सभी उतने ही सुंदर, उतने ही विलक्षण हैं। तो हम किसी को हे दृष्टि से किसी चीज को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि इसमें बहुत रहस्य छिपा है, जिसको हम सोचते थे बेकार है, जिसको हम कचरा भी समझते हैं, उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। तो व्यक्ति जो है तटस्थता फिर उसमें आने लगती है, क्योंकि वह समझता है कि कोई चीज बेकार नहीं है, कोई आदमी बेकार नहीं है, कोई प्राणी बेकार नहीं है। तो उन खोजों से उसे पता चलता है, तो वह उसमें तटस्थता आ जाती है, फिर वह नए नए सत्य को वहां से उद्घाटित पाता है। और जब सत्य को जब पाता है तो सत्य से भी तटस्थता आती है, सत्य से ही व्यक्ति न्याय भी कर पाता है। तो जस्टिस और न्यूट्रलिटी ये दोनों बहुत जरूरी है। जस्टिस आप तभी कर सकेंगे जब आपको सत्य का पता होगा, न्याय आप तभी कर सकते हैं जब सत्य का पता होगा, और तटस्थ भी आप तभी रह सकते हैं जब आपको सत्य का पता होगा। तो और सत्य का पता के लिए आपको साहस चाहिए, यह जरूरी है। तो यह जो भावना है न्याय की भावना और ये तटस्थता की भावना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आप कुछ प्राणायाम का उपयोग कीजिए, जिससे कि इसे संवेद प्राणायाम है जो कि न्यूट्रल हमें बनाता है, तटस्थता लाता है। संवेद प्राणायाम, सरल प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये जो है ये हमारे में तटस्थता लाते हैं। तो इसको आपको देखना है। ओंकार प्राणायाम जो है वह सत्य को उद्घाटित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसी तरह से चतुर्थ प्राणायाम जो कि न्याय के लिए है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चतुर्थ प्राणायाम, उसी तरह चंद्र प्राणायाम, यह न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको न्याय की भावना जिनमें कम है उनको चाहिए चंद्र प्राणायाम करें, चतुर्थ प्राणायाम करें, तो न्याय की भावना जागृत होगी। और सत्य के लिए ओंकार प्रणव प्राणायाम उसको करें, उसका मंत्र का जाप भी करें, तो उसकी भी विधि मैंने बताई हुई है। आप साधना में जाएंगे तो देखेंगे, मंत्र में जाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उदासीनता आ जाए और हमें किसी से उस तरह से लगाव नहीं हो, इसके लिए भी जरूरी है, तो वह अंतर्गमन प्राणायाम करें। अंतर्गमन प्राणायाम जो है हमें बहुत ही इसमें मदद देगा। अब ये जो प्राणायाम के प्रभाव हैं वो हमें दृष्टिगोचर होंगे और ये हमें और आगे एडवांस हमारे में ले आएगा। फिर हमारे में स्वीकारोक्ति की भावना आ जाएगी, एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं, स्वीकारोक्ति की भावना, वह भाव भी हमारे में प्रकट होगा। क्योंकि हमने देख लिया सत्य भी हमें पता चल रहा है और हर चीज विलक्षणता मालूम पड़ रही है, तो हमें
उसकी स्वीकारोक्ति भी आ जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, और उनमें जो है हमारी ऐसी भावना होगी स्वीकारकता, सिर्फ स्वीकारकता की ही भावना नहीं होगी, बल्कि हमारे में उसके प्रति एक स्नेह की भी भावना होगी, विलिंगनेस भी होगा। तो स्नेह जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से जो है एक प्रेम का उदय होना शुरू होता है। तो स्नेह की भावना हमारे में उत्पन्न होती है। इसको भी अब देखेंगे, ओंकार प्राणायाम है, मारुति प्राणायाम है, ये स्नेह की भावना को हमारे में लाता है। और उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम है, यह भी इसके लिए बहुत ही मददगार है। और जो स्वीकारोक्ति की भावना है उसके लिए आप वशिष्ठ प्राणायाम को अपनाएं। वशिष्ठ प्राणायाम बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे कि बहुत आपको वो रिलैक्स भी करता है और अस्तित्व को स्वीकार कराता है, नकारता नहीं है। तो ये जो है ये हमारे चक्षु के द्वार खोलने लगते हैं। अब यहां से जब हम स्वीकारोक्ति की भावना आ गई, स्नेह की भावना आ गई, तटस्थता की भावना आ गई, सत्य को खोजने की भावना आ गई, तो फिर क्या होता है, हम इसमें क्या होता है, हमारा रीजनिंग काफी डेवलप रहता है। तो यहां हम लोग में रीजनिंग की भावना भी आ जाती है, तर्कसंगत हम चीजों को समझने लगते हैं स्नेह के साथ, यह भी बहुत जरूरी है। और आज के जितने वैज्ञानिक हैं या जितने भी ये हैं विद्वान लोग हैं, वे सब उसमें उसके तहत आते हैं, जिसमें कि लॉजिक को बहुत महत्व दिया जाता है, ब्रेन के पार्ट, ब्रेन का जो पार्ट है जो उसमें इतना, वो रीजनिंग से ही दिमाग में डोपामाइन प्रोटीन रिलीज करने लगता है, एंडोर्फिन रिलीज करने लगता है, परंतु साथ ही साथ कुछ कॉर्टिसोल भी रिलीज होते हैं, जिसके कारण कुछ हल्के से उत्तेजना भी होती है और कुछ चिड़चिड़ापन भी आता है, थोड़ा सा तनाव भी आता है और एक्साइटमेंट भी होता है। तो यह रीजनिंग में ऐसा होता है, लेकिन वे व्यक्ति सदैव जो है अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोते हैं। और मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोना, मन का संतुलन बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे या, क्योंकि हम और जो हम आगे योग में जब विकसित करेंगे, समता की भावना जब आएगी तो वह तभी आ सकती है ना, जब हमारे पास रीजनिंग पर्याप्त हो, दिमाग का संतुलन बरकरार हो, विपरीत परिस्थितियां आने पर हम डगमगाए नहीं और अपना हम सत्य और तर्क नहीं छोड़े और इसके साथ साथ स्नेह भी नहीं छोड़े, क्योंकि स्नेह जब नहीं रहेगा तो फिर जो है हमारा तर्क सूखा हो जाएगा और प्रेम विकसित नहीं हो सकता, तो वह सूखा सत्य जो है हमें फिर हमें पतन करा देता है। तो स्नेह बहुत जरूरी है, तभी वह प्रेम में आगे विकसित होगा। और जब स्वीकारोक्ति होती है तो क्या होता है, सुंदरता का भी विकास होता है। तो सत्य और सुंदरता के सौंदर्य का जो भाव होता है मनुष्य में, तो यह सौंदर्य भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह एक विलक्षण भाव है जो सुंदरता की भावना को हमारे में बढ़ाता है। हम हर पहले तो साधारण सी बात है कि सिर्फ फूल हैं जो हमें प्रिय लगते हैं तो वो हमें सुंदरता, तो प्रियता का भाव होता है, सुंदरता की भावना होती है। उसका उसको ऑब्जेक्टिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं के हिसाब से देखता है कि उसको यह सुंदर लग रहा है, वह सुंदर लग रहा है, किसी गुलाब सुंदर लग रहा है, कमल सुंदर लग रहा है, फूल सुंदर लग रहे हैं, पेड़ सुंदर लग रहे हैं, पशु पक्षी सुंदर लगते हैं, बच्चे सुंदर लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप में स्वीकारोक्ति बढ़ेगी, आपको हर व्यक्ति सुंदर लगने लगेगा। और जब शत्रु सुंदर लगने लगे तो समझना चाहिए कि हमारे में शिवत्व का विकास हो रहा है, क्योंकि शत्रु आदमी को कुरूप ही लगता है, दुष्ट लगता है, राक्षस लगता है। शिव का महत्व इसीलिए है क्योंकि शिव जो है उनके लिए राक्षस भी उतने ही प्रिय हैं जितने देवता प्रिय हैं, जितने मनुष्य प्रिय हैं।
तो सौंदर्य का बोध बहुत बड़ा बोध है। और जब हर व्यक्ति सुंदर लगे और व्यक्ति की हर अवस्था सुंदर लगे, उसके उस रूप को हम प्रेम कर सके। हम अमूमन उन्हें देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, प्रिय लगते हैं, लेकिन जो विभत्स रूप, भयानक रूप होते हैं, जैसे भैरव का रूप है, रुद्र का रूप है, काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, तो हमें डर बैठता है, सिहरन सी होती है। लेकिन अगर उसको सुंदरता की निगाह से देखेंगे तो फिर भय खत्म हो जाएगा। सौंदर्य में यह क्षमता है कि वो भय को खत्म कर देता। सौंदर्य बोध स्त्रियों में बहुत ही विलक्षण होता है और वे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुंदरता से ही पहचानती हैं। कौन व्यक्ति कितना सुंदर है उससे ही वो आंक लेती हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो चेहरे की सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, इन सभी में अगर सुंदरता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत निखर जाता है। तो हर स्तर की जो सुंदरता है उसको देखना चाहिए, हर चीज की सुंदरता देखनी चाहिए। तो यह सौंदर्य बोध यह ध्यान से उपलब्ध होता है। जब हम एकाग्र होने लगे यानी धारणा की जब स्थिति आती है तो भी हमें सुंदरता का बोध होने लगता है। तो रीजनिंग के लिए मैं बता रहा था, जो तर्क भाव हमारे में है उस तर्क भाव के लिए क्या है कि तालयुक्त प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो तालयुक्त प्राणायाम करें, तर्क भाव बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, और स्नेह की भावना बढ़ जाए, सौंदर्य बोध बढ़ जाए। और सौंदर्य बोध और स्नेह की भावना का ही जो मिला जुला स्वरूप होता है वह प्रेम होने लगता है। तो वह प्रेम जो है, जो किसी किसी को चाहता है, जिसमें मोह की भी छवि होती है, वही और विकसित होकर के सामान्य जो है विपरीत लिंग का जो प्रेम होता है उसमें भी आ जाता है, फिर उससे और विकसित होकर के सभी प्राणियों में आने लगता है। जो सभी प्राणी का जो प्रेम होता है वह प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है। तो वह तो भक्ति भावना से ही संभव होता है, जब हम यह समझने लगते हैं। हालांकि हमें तर्क यहां महसूस कराता है कि किस तरह से ये सभी एक हैं, इन सब का मूल जो तत्व है, जब सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों के मूल तत्व को हम जानते हैं, देखते हैं, ओ, इनका मूल स्वरूप तो एक ही है, सभी में कुछ कॉमन है और सभी कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं और इसी से एक सामूहिक रूप से प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, तो वह जो है उसकी सुंदरता हम समझने लगेंगे। फिर हमें वो सुंदर लगने लगेगा और उसी हमें प्यारा भी लगने लगेगा। वहां से प्रेम विकसित होता है, वह प्रेम फिर भक्ति का रूप धारण करता है, वह भक्ति फिर अनन्य भक्ति का रूप। अब जब भक्ति आएगी तो कौन सी भावना फिर उसको बाहर से मालूम होगा, उसको जो है आनंद की भावना सामने आई, जिसको आप जॉय कह सकते हैं, ब्लिस कह सकते हैं। तो भक्ति के उदय के साथ, सौंदर्य के उदय के साथ जॉय की भावना, ब्लिस की भावना, आनंद जिसको कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, तो वह आनंद की भावना विकसित, आनंद की भावना, ये सब आध्यात्मिक। अब हमारी चेतना का स्तर काफी आध्यात्मिक हो गया क्योंकि यहाँ भाव शरीर बहुत उच्च स्तर का होने लगा है। जब हम प्रेम को महसूस कर रहे हैं, उस आनंद को महसूस कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो ही अब हमें कुछ पाने की कोई बहुत कामना नहीं रहती है। डिजायर तो अब वैसा रहा नहीं, तो काफी वो नीचे हम छोड़ आए, उससे हम काफी ऊपर उठ गए। तो इस स्तर पर आकर के पाने कामना नहीं है तो व्यक्ति शांति महसूस करता है, पीस तभी आती है। पीस का सामान्य लोग यह सोचते हैं कि झगड़ा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। पीस बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें कि हमें अब कुछ पाना नहीं है, जो है दुनिया में प्राप्त है, हमें किसी पर कब्जा नहीं जमाना है, किसी का उपभोग नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है, और यही चीज हमें शांति लाती है। तभी हमारी वाणी में, चेहरे में, भाषा में, हर चीज में हमारे
हरकतों में, हमारे इशारों में, सब चीज़ में उसके भी व्यक्ति होने लगती है, भौतिक रूप से भी। व्यक्ति बैठा हो, चल रहा हो, शांति आपको महसूस होगी। ऐसे व्यक्तियों के पास जाने से आप खुद भी शांति महसूस करेंगे, क्योंकि उसकी जो है आभा काफ़ी विलक्षण हो जाती है और सबके प्रति प्रेममय हो जाने के कारण उसमें असीम शांति होती है। वह काफ़ी उच्च स्तर की चेतना हो जाती है, ये समाधि अवस्था में उपलब्ध होने लगती है। यहाँ तक जाते जाते समाधि लग जाती है और सब समझने लगता है कि यहाँ सब कुछ जो है बस एकमय हो जाता है, वननेस की भावना होती है। और उसके साथ ही वह एनलाइटमेंट आ जाता है, अनन्य भक्ति से ऐसा होता है, ईश्वरी कृपा से ऐसा होता है। और वह निर्विकल्प समाधि, निर्भीक समाधि और कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और अब वहां से वह किसी भी भावना में कभी भी चला जाता है और फिर ये सब जितनी भी भावनाएं होती हैं अब वह एक्टिंग का रूप धारण कर लेती हैं, यानी उसके लिए अब वह खेल है, लीला है, इसी को लीला कहा जाता है। तो जब व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया तो उसके लिए नीचे की जितनी भी भावनाएं हैं जिसको पहले डिस्कस कराए हैं, तो उन सब भावनाओं में रमण करना, उन सब भावनाओं में उतर जाना, वैसा व्यवहार कर देना, उसके लिए अब लीला है, क्योंकि उधर से ऊपर के उठ करके आ गया, सारे सब नियंत्रण में है। तो वो जब चाहे तब वो कामुक भी हो सकता है, जब चाहे तब हट सकता है, वह शर्म भी महसूस कर सकता है, वह अवसाद में भी जाने का नाटक कर सकता है, लेकिन वे सब सब नाटक ही होंगे उसके लिए। अब वह जो है उनसे पीड़ित नहीं होगा, बल्कि वह उसके नियंत्रण में है, वहां से जब चाहे तब वैसा खेल करके वो वापस आ सकता है। तो यह इच्छाओं का खेल से इच्छा मुक्ति का खेल चला जाता है। यहाँ पर जो है उसको जब समाधि की अवस्था आएगी तो विलक्षणता यही होती है। तो पहली शुरुआत की अवस्था में तो उसको शून्यता का बोध होता है, पतंजलि जी ने भी परिभाषित भी किया है, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि। स्वरूप से शून्यता की भावना जो आती है वह जो है समाधि है, लेकिन समाधि से भी आगे कैवल्य की स्थिति है। कैवल्य की स्थिति में अनन्य भक्ति है, परब्रह्म परमेश्वर की अनन्य भक्ति है, वही परम शांति है, अन्यथा कहाँ शांति है। और वह खालीपन या वाइडनेस नहीं है, वाइडनेस तो ऊंची अवस्था नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह नकार हो जाएगा। स्वीकारोक्ति और पूरे अस्तित्व की का जो है समग्र अस्तित्व का एक पूरा का पूरा इस तरह से मिल जाना और एक जैसा ही हो जाना और हर जगह में चिन्मयता महसूस कर लेना, उसको एक होल पूर्णता में उसको बोध कर लेना, एहसास करना, अनुभूत कर लेना, यही जो है श्रेष्ठ उपलब्धि होती है जिसके लिए संत प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आकर के संतत्व सिद्ध हो जाता है, संतत्व की उपलब्धि हो जाती है। जो साधक के रूप में वो प्रयास करता आ रहा था, इस जगह आकर के वो धन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अब उसे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वैसी कोई कामना ही नहीं रही। जितनी भावनाओं के तहत वो कार्य कर रहा था, उन सब भावनाओं से जब वो ऊपर उठ गया तो फिर आखिर जन्म किस बात के लिए, तो फिर वैसा कोई जन्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर अब यहाँ से क्या होता है कि करुणा की भावना आती है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उनके लिए करुणा की भावना आती है कि उनको भी कैसे आगे बढ़ा जाए, उनका भी कैसे त्वरित विकास हम करा सकें, उसी के लिए फिर सारे उपदेश होते हैं। तो यह करुणा की भावना उच्च स्तर की भावना होती है, यह दया की भावना जैसी नहीं होती है। कि दया की भावना जो है वह तो धारणा की स्थिति में आती है, जिसमें कि जो कमजोर हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, उनके प्रति होती है। लेकिन जो करुणा की भावना है वह सबके प्रति होती है, वह अगर विलक्षण, यानी एक संत है तो वो उसका दूसरे संत के प्रति भी करुणा की भावना होगी, उसमें कोई प्रति नहीं होती है, करुणा की भावना सभी के लिए ही होती है। तो यह उच्च स्तर की भावना होती है जो समाधि के बाद, कैवल्य की अवस्था के बाद सामान्य आदमी महसूस करता है, और उसमें परम शांति का एहसास, और यहीं पर आकर के परम ज्ञान की बात होती है। इस स्तर को छू लेना ही परम ज्ञान है, परम बोध है, परमात्मा का एहसास है, और तब उसको सब के मध्य जो संबंध है, रिलेशंस हैं,
उसका पता चल जाता है, समय का पता चल जाता है, टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, स्थान विशेष का समाधान हो जाता है। यानी दुनिया में कोई चीज़ फिर नहीं बचती है इस अस्तित्व में जिसके विषय में उसको कन्फ्यूजन हो, वह अपने अंतर्दृष्टि से वो सब समझ जाता है, अंतर्दृष्टि का विकास हो जाता है। और फिर वैसे के लिए दुनिया के सारे जो कर्म धर्म हैं उनको करता हुआ, करुणामय तरीके से करता हुआ, निष्काम भाव से करता हुआ, यहाँ जो भगवान कृष्ण गीता में निष्काम भाव को ही श्रेष्ठ भाव माना है, तो यह भाव शरीर की सबसे ऊंचाई जो है वह निष्काम भाव हो जाता है। निष्काम भाव से किसी कर्म को करना और करुणा भाव से लोगों का सहयोग करना, उपदेश देना, ये भावना होता है। तो इस तरह से भाव शरीर का हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विकास कहाँ से कहाँ तक कैसे हो जाता है, हमारी चेतना का स्तर कैसे बढ़ जाता है, हम कैसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं। और इसके विपरीत भी हम अगर पूर्ण आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं होता व्यक्ति तो विपरीत भी फिर आता है, फिर और नीचे जैसे जो बताए हैं घमंड में, तो घृणा में, हिंसा में, इस तरह की भावना में फिर उसका पतन हो सकता है अगर ऊंचाई तक नहीं छुआ तो। इसलिए सतत जो है अपने को लगाए रखना चाहिए जब तक कि सिद्धि की अवस्था नहीं आ जाती है। यही प्रिकॉशन के तौर पर, सावधानी के तौर पर संतों ने बराबर समझाया है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।